सुप्रभात विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 6, 7, 8 सभी के लिए लेकर आई हूँ संस्कृत से परिचय। सभी के लिए मैं संस्कृत से इंट्रो आज करवाऊँगी। मैं हूँ जेपी इंटरनेशनल स्कूल की अध्यापिका मिस पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत से परिचय। संस्कृत से परिचय कक्षा 6, 7 और 8 तीनों के लिए, जिसमें बेसिक्स बताया गया है आखिर संस्कृत में क्या क्या हम लोग को पढ़ना होता है। पहले तो हम लोग को पुरुष के बारे में जानना जरूरी है कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, पुरुष तीन होते हैं। और आप ये सोचेंगे कि उत्तम पुरुष ही पहले क्यों लिखा हुआ है, उसके बाद मध्यम पुरुष लिखा हुआ है, उसके बाद प्रथम पुरुष लिखा हुआ है, आखिर ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि इंग्लिश में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट आई सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में हम लोग का क्या आता है, आई आता है और बी आता है। इसी तरह से उत्तम पुरुष सबसे पहले इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इंग्लिश के अनुसार से सबसे पहले आई और बी आता है, और उत्तम पुरुष में वही आता है मैं और हम, कहने वाला इंसान, इसलिए पहले आता है क्योंकि उत्तम पुरुष क्या है, कहने वाला इंसान, इसलिए मैंने पहले इसे लिखा है। और मध्यम पुरुष क्या है, सुनने वाला इंसान है, मध्यम पुरुष है सुनने वाला इंसान। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है, सुनने वाला इंसान मतलब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप यानी कि तुम, मैंने आपको क्या कहा, आप या तुम कहा, तो सुनने वाला इंसान क्या हुआ, तुम या आप। प्रथम पुरुष क्या हुआ होते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है। संस्कृत में प्रथम पुरुष समझे आप, प्रथम पुरुष वह वे लोग होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है मैं, हम लोग, क्या हो गया उत्तम पुरुष हो गया, और तुम क्या हो गया उत्तम पुरुष, तुम क्या हो गया मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष क्या हो गया वह वे दोनों। वचन, अब आप लोग ये देखें कि वचन संस्कृत में कितने होते हैं। वचन होते हैं तीन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जनरली हम लोग हिंदी में देखते हैं कि एक वचन और बहुवचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन प्रकार के वचन होते हैं। एक वचन से हम लोग का क्या होता है, एक संख्या का बोध होता है, द्विवचन से दो संख्या का बोध होता है, और बहुवचन से बहुत सारे लोगों का बोध होता है। और लिंग, संस्कृत में लिंग के बारे में पढ़ना है, लिंग के अनुसार से हम लोग शब्द रूप, धातु रूप याद करते हैं। तो यह है हमारा संस्कृत से परिचय। इसलिए पहले इसलिए इसको याद रखना जरूरी है, लिंग, पुरुष और वचन को, उसी के अनुसार से हम लोग को शब्द रूप याद करना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, कितने प्रकार के लिंग के बारे में इसमें पढ़ना होगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग से क्या होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध, और नपुंसक लिंग से जो न स्त्री हो न पुरुष, जो गतिमान न हो। तो हम लोग जैसे कि बालक शब्द रूप, आप लोग को संस्कृत में पढ़ना होगा बालक शब्द रूप, तो बालक क्या हो गया पुल्लिंग हो गया, बालिका शब्द रूप क्या हो गया आक्रांत स्त्रीलिंग। तो नपुंसक लिंग, जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है वृक्ष, वृक्ष क्या है गतिमान नहीं है, तो ये क्या हो गया नपुंसक लिंग हो गया। कर्ता, संस्कृत में कर्ता न होते हैं, संस्कृत में कर्ता न होते हैं, तो इसे मैं कैसे पढ़ूं, कैसे मैं बता रही हूँ कि संस्कृत में कर्ता न होते हैं, इसके आधार पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष के आधार पर कर्ता न होते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ प्रथम पुरुष में आता है क्या सहतौते, प्रथम पुरुष में सहतौते आते हैं तीन, कितना हुआ तीन, और मध्यम पुरुष में आते हैं त्वम, युवाम, युम, और उत्तम पुरुष में आते हैं अहम, अवाम, वयम। इस प्रकार से तीन, तीन, छः और तीन, नौ, टोटल कितने कर्ता हो गए नौ, तो सारे कर्ता में ही आते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को संस्कृत से परिचय इंट्रो किया करवाया। ये सारे क्लास 6, 7, 8 सभी के लिए उपयोगी है, और जो संस्कृत से को नहीं समझते, नहीं जानते कि आखिर इसके बेसिस क्या होता है, वो सभी आप लोग देखें और इसको समझें। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए।